कैसे आए हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और आज अभी जा रहे हैं हम लोग पंजीम घूमने के लिए। वहाँ पे पंजीम का एक चर्च है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और फाउंटेन हाउस कुछ करके है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद जाएंगे, आज हम लोग क्रूज का एक्सप्लोर करेंगे, कैसा होता है क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट उठो, चलो प्रिंसी उठो, देंगे मोबाइल ही देंगे तो चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, अब कल जाएंगे, कल जाएंगे। स्विमिंग पूल में अभी जाना है, इधर से देखो सीधा चले। वाह कितना सुंदर हवा चल रहा है। प्रिंसी मेरी कितनी क्यूट लग रही है। हाँ प्रिंसी मेरी कितनी क्यूट लग रही है। चलो जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी चलना है, हवा चल रहा है बहुत ज्यादा। In 150 meters. तो यहाँ पे हम लोग पंजीम सिटी एंटर कर गए थे, और ये जो ब्रिज है बहुत ही ज़्यादा फेमस है गोवा का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पंजीम का मोस्ट फेमस जो चर्च है वहाँ जा रहे हैं। और ये देखो साइड में कितना सुंदर नज़ारा, बीच ही बीच है और साइड में रोड, तो बहुत ही अच्छा सा व्यू था यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्थ गोवा से आ रहे हैं पंजीम। तो नॉर्थ गोवा से जो पंजीम का डिस्टेंस है लगभग 40-45 मिनट है, तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर देखो हम लोग फाइनली ये चर्च के पास आ गए हैं। अब चर्च के अंदर जाते हैं, क्या है क्या नहीं, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिए, हम लोग चर्च के अंदर जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। ये जो पीछे साइड में चर्च है ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है गोवा का, और ये है पंजीम सिटी में गोवा में। और हम लोग आए हैं अभी नॉर्थ गोवा से पंजीम घूमने के लिए, ये स्पेशल ये चर्च देखने के लिए। और देखो नीचे में रोड है और ऊपर में ये चर्च बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन पता नहीं क्लोज्ड है या ओपन है, अंदर जाके पता चलेगा कि यह क्लोज्ड है या ओपन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे हस्बैंड गए हैं पार्किंग करने के लिए, पार्किंग करके आएँगे स्कूटी, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे ऊपर। यहाँ से हालत ख़राब है, चलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं चर्च के ऊपर, और ऊपर आके पता चला कि ये चर्च जो है बहुत दिनों से लॉकडाउन के टाइम से ही क्लोज्ड है, तो लोग यहीं से वापस चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके सोचे एक दो फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न चले जाएंगे, कि ऊपर जाना तो एंट्री था नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक दो फोटो क्लिक कर लिए क्योंकि और भी जगह हम लोग को एक्सप्लोर करना था। तो यहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि इवनिंग में ही हम लोग रूम से निकले थे। और यहाँ पे देखो एक आंटी मिल गई जो हेयर ब्रीडिंग करती है गोवा में, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, सोचे मैं भी करा लेती हूँ, इतना ज़्यादा फेमस है, मेरे को भी बहुत दिनों से मन था कि करवा ले। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, कैसा क्या प्राइस लेता है, कैसे करते हैं। तो ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर पे 4 जगह पे ब्रीडिंग करवा रही हूँ, और ये गोवा में नॉर्मली 150 से 200 में कर देते हैं। लेकिन मैंने प्राइस पूछा तो वो आंटी बोली कि आपको जो जो करवाना है देख लो, उसके बाद मैं प्राइस बताती हूँ। तो मैंने 4 जगह पे करवा लिया, मेरे को पता नॉर्मली ही लेंगे। उसके बाद ये आंटी बता रही है कि आपका 1200 हुआ, तो मैं इतना ज़्यादा प्राइस सुन के शौक हो गई कि भाई इतना भी क्या, इसमें नॉर्मली ये धागे का बना रहता है और कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है कि अब ये तो आप घर पर भी कर सकते हो। लेकिन कोई नहीं, मैं सोची चलो दे देते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं इतना तो नहीं होता, लेकिन वो आंटी बहुत बोलने लगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फाउंटेड हाउस देखने के लिए क्योंकि गोवा का ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। बेसिकली ये ऐसा है ना कि ये एक बाल ये जैसा है कॉलोनी टाइप का है, और यहाँ के लोग अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखते हैं, पेंट वगैरह बहुत अच्छे से यूनिक यूनिक डिज़ाइन का घर बनाते हैं। और
लोग यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए आ जाते हैं, इसलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो फाउंटेन हाउस से घूमने के बाद हम लोग आ गए थे क्रूज एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि क्रूज में भी हम लोग को जाना था कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट भी ले लिया था और टिकट का जो प्राइस था वो 700 पर पर्सन था। तो यहाँ पे हम लोग का क्रूज आ गया था, टाइमिंग था 7 o'clock था शायद, और यहाँ से हम लोग को लेके जाएंगे, पूरा बीच घुमाएंगे। उसके बाद 1 hour का टाइम रहता है, आपको 1 hour में पूरा आपको घुमा के लेके आते हैं। और इस क्रूज़ के अंदर आपको हर टाइप का सुविधा मिल जाएगा, जैसे कि स्नैक्स वगैरह, वेलकम ड्रिंक, डांसिंग वगैरह भी होता है, क्लब डांसिंग यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ये साइड में बैठो, बेस्ट रहेगा। साइड में बैठो क्या, मोबाइल उस साइड वो सब बेस्ट रहेगा। हाँ प्रिंसी भी बैठ जाएगी, लेकिन देखना उसको ये करने नहीं देना। अच्छा है, तो यहाँ पे क्रूज से बैठ के जो ये व्यू जो आता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। और ये क्रूज जो था वो 3rd floor तक का था, तो अभी हम लोग 2nd floor में बैठे हैं और 3rd floor में जो है बहुत ही मस्त वाला लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ पे, क्लब डांसिंग वगैरह। और यहाँ पे देखो प्रिंसी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, डांस कर रही है, गाना बज रहा है उधर। तो अभी हम लोग का वेलकम ड्रिंक वगैरह भी आने वाला है, तो चलिए नज़ारा को इंजॉय करते हुए हम लोग भी अभी मस्ती कर रहे हैं बैठ के। जो भी कूदना नाचना है इसी क्रूज के अंदर, क्रूज के बाहर क्या लेके आए, वेलकम ड्रिंक तो यहाँ पे हम लोग क्रूज के अंदर आ गए हैं और ये है हम लोग का वेलकम ड्रिंक। और मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था तो मेरे हस्बैंड एक ही ग्लास लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं पी रही थी, तो बहुत ही अच्छा था ये वेलकम ड्रिंक, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे देखो हम लोग क्रूज के अंदर है और यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस वगैरह भी हो रहा था, डीजे भी बज रहा था, तो फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ओपन एरिया में था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पूरा मस्त हवा चल रहा था और व्यू भी बहुत ही शानदार वाला आ रहा था। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, मज़ा आ रहा है, इतना सुकून वाला लाइफ जीने में कभी कभी जीना भी चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए इंसान को, डेली का बोरिंग वाला लाइफ मज़ा नहीं आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 3rd floor पे जहाँ पे डांसिंग वगैरह हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं ऊपर में जाके, मस्ती करते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो क्रूज में बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद अब हम लोग वापस नॉर्थ गोवा जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था और गोवा में कोई तो फेस्टिवल चल रहा था जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ था। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।